बॉलीवुड के दिलचस्प खबरों के लिए इस बेल को प्रेस कीजिए ताकि हम आप तक खबरें पहुंचा सकें। बॉलीवुड के साथ साथ पूरा देश सुशांत के जाने की खबर से सदमे में है। 14 जून 2020 को सभी ने एक होनहार कलाकार खोया है और सभी एक्टर और फैंस ने सोशल मीडिया पे सुशांत को खोने का गम बताया। हाल ही में केदारनाथ मूवी के डायरेक्टर अभिषेक कपूर और उनकी पत्नी प्रज्ञा कपूर ने सोशल मीडिया पे बताया कि सुशांत की याद में वो अपने एनजीओ एक साथ द अर्थ फाउंडेशन के माध्यम से 3,400 गरीब परिवारों को खाना खिलाएंगे। टेलीविजन पे अपना जादू दिखाने के बाद 2013 में अभिषेक द्वारा डायरेक्ट की गई कैपोचे मूवी से सुशांत ने अपना डेब्यू किया था और उसके बाद 2018 में इन दोनों ने साथ में फिर केदारनाथ भी की थी। सुशांत को याद करते हुए अभिषेक ने सोशल मीडिया पे सुशांत को इंटरस्टेलर करके बुलाया और लिखा, मेरे दोस्त को खोने का मुझे एक बड़ा धक्का लगा है। हम दोनों ने साथ में दो काफी स्पेशल मूवीज बनाई थी। वो एक बेहतरीन एक्टर था जो अपने किरदार के अंदर जान डाल देता था। मैं उनके परिवार के लिए दुआ करता हूँ इस मुश्किल समय में। सुशांत को साइंस से बेहद प्यार था और जो चीजें उनके दिमाग में थी वो इस यूनिवर्स से भी आगे की थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, स्टे इंटरस्टेलर। प्रज्ञा ने भी एक इंटरव्यू में इस इनिशिएटिव के बारे में बोलते हुए बताया कि ये हमारा तरीका है उसे और उसके काम को याद करने का। आज तक जो भी उन्होंने किया है या पाया है, एक दोस्त की तरह हम इसी से उसे हमेशा याद करेंगे। आज सुशांत सिंह राजपूत भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।